पूरे देश में लॉकडाउन है, इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा। छतरपुर में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान अवैध शराब बनाने वाले फरार हो गए। छतरपुर के हरपालपुर थाने के सरसेड़ गाँव में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने फैक्ट्री से 18,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग को सोशल मीडिया पर एक अवैध शराब बनाने का वीडियो मिला था। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग ने खेत में बने कच्चे मकान पर दबिश देकर ये कार्रवाई की। मकान में कच्ची शराब बनाने की 5 भट्टियां सहित 500 लीटर शराब मिली, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से इसे नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान यहाँ से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध शराब बनाने वाले आरोपी फरार हो गए। हम और हमारा आबकारी अमला, संपूर्ण स्टाफ और हरपालपुर थाने से प्रभारी श्री पांडे जी, हम लोग यहाँ लगभग 3 घंटे पहले उपस्थित हुए थे और ससरा का जो है यहाँ पर कई दिनों से शिकायतें लगातार मिल रही थी कि यहाँ पर कच्ची और महुआ लहान शराब का निर्माण यहाँ लगातार किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस और आबकारी का अमला ज्वाइंट रूप से यहाँ इकट्ठा हुआ, क्षेत्र की जांच करने पाया कि लगभग 200 लीटर परिमाण के 90 से 100 ड्रम यहाँ पे कच्ची महुआ लहान लगातार बनाई जा रही थी, जिसको स्टोर किया गया था और पाउच के रूप में जमीन में गड़े हुए ड्रमों के रूप में कच्ची मदरा जो कि विक्रय योग्य तुरंत थी उसको यहाँ पे जब्त किया गया। लगभग 18,000 लीटर के आसपास महुआ लहान को, कच्ची को नष्ट किया गया है और 2 आरोपी जो थे यहाँ पर जो कि शराब का क्रय करने आए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।